पेट्रोल व डीजल के दामों में भारी भरकम बढ़ोतरी होने से आम जनता त्रस्त है। महंगाई से गरीब परिवारों को पेट पालना मुश्किल हो रहा है। खाद्य वस्तुओं के दाम भी हर दिन आसमान छू रहे हैं। इन दिनों एक तरफ तो कोरोना की मार, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई की मार। जनता ने सरकार से पेट्रोल, डीजल व खाद्य वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करने की मांग की है। केंद्र व राज्य सरकार ने जून माह में पेट्रोल डीजल के दामों में भारी भरकम बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाकर सरकार ने जनता को महंगाई का तोहफा दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम भी आसमान छू रहे हैं। वहीं इन बढ़ी हुई कीमत का असर आम जनता के साथ साथ किसान और बागवानों पर भी पड़ रहा है। कुल्लू के स्थानीय निवासियों ने सरकार से पेट्रोल और डीजल के दामों, साथ ही खाद्य वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से वैसे ही सभी लोगों का काम बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर कीमतें इसी तरह से बढ़ती रही तो आम व्यक्ति दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएगा। लोगों का कहना है कि सरकार का पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने का निर्णय गलत है। लोगों का कहना है कि किसी के पास भी फिलहाल कमाने का कोई साधन नहीं है, सभी काम बंद पड़े हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है और भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। करके है मेरे ख्याल में, क्यों कि सरकार के पास इनकम सोर्स कोई नहीं रहे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनको लगा रहे, चार्जेस कर रहे हैं, तो फिर ये तनख्वाह कहाँ से देगी एम्प्लॉयज को, तो बाकी इनकम तो कहाँ से करेंगे। तो इस करके इनके पास एक बागवान की जेब में तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी ना फिर इससे, तो जैसे पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, तो हर चीज़ किराए बढ़ेंगे, किराए से महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। ये है जी, नहीं एक कर मतलब गरीब आदमी के मार ज़्यादा है, मतलब जो मजदूर काम धंधा मिल नहीं रहा है उनको, ऊपर से हर चीज़ जैसे तेल की वजह से हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे, उनको खरीदारी करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ये तो काफ़ी यानी कि ख़राब बात है कि पेट्रोल में बढ़ोतरी होगी, ऊपर से ये कोरोना का टाइम है, किसी को ट्रैवल करना हो तो आजकल ऐसे ही काम धंधा कुछ नहीं हो रहा है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी मार पड़ रही है, तो सबके लिए खराब टाइम ही चल रहा है मेरे हिसाब से। तो आजकल एक तो कोरोना की महामारी, ऊपर से बॉर्डर पे हमारे वॉर भी हो रही है और महंगाई तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि सारे हर एक चीज़ जो भी आयात हो रही है या निर्यात हो रही है उनका उनमें रुकावट आ गई है, तो महंगाई तो बढ़नी ही है, तो ऑब्वियसली जनता को काफ़ी इससे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। सर, पिछले 1 जून से डीजल में और पेट्रोल में को 7 रुपये बढ़ोतरी हुई है, 1 जून से लेके अब तक। पहले 1 जून को 1 रुपया बढ़ा था डीजल, 1 रुपया 1 पैसे पेट्रोल, और बाद में 2-3 दिन छोड़ के 40-45 पैसे डीजल, 40-45-49 पैसे पेट्रोल बढ़ रहा है रोज़, जिसकी अब तक 7 रुपये पहले रेट से अब तक बढ़ोतरी हो चुकी है। एक तो पहले से ही कोरोना ने हमें बहुत नीचे धकेल दिया है, और ऊपर से अब कामकाज बहुत बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और जिस हिसाब से सरकार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, तो हमारे भी दाम बढ़ने चाहिए, जिससे कि हमारा रोज़गार ठीक से चल सके, और काम धंधा तो वैसे भी आजकल बहुत ही बुरे हाल है। के ऊपर जो जितना भी है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, आम जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है इससे, इसकी बहुत बड़ी मार पड़ेगी। ये कोई कारोबार नहीं है, काम करने के लिए नहीं है, लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, तो उसके ऊपर अगर ये भी बढ़ाए, एक पेट्रोल और इसके डीजल के हाइक होते हैं, तो निश्चित तौर पे ये लोगों को बहुत दुखी कर रहा है। बस कुछ व्यवसाय नहीं है तो वो देंगे कहाँ से, वो कमाएंगे, कमाएंगे तो देंगे, जब कमाने का साधन ही नहीं है कुछ, तो कहाँ से निकालें। इससे जो आम जनता पर हर मतलब हर वर्ग पर इससे काफ़ी असर पड़ रहा है, जिसका जैसे कि 6 रुपये और 5 रुपये के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़ चुके हैं, उससे आने वाले समय में जो ऐसे लॉकडाउन भी चला हुआ है साथ में, अगर किसी के पास कोई काम नहीं है अब वो कहाँ से निकाले अपना खर्चा, और ऊपर से सरकार को करना चाहिए कि थोड़ी उनकी मदद कीजिए, कि इतने रेट मत बढ़ाइए, थोड़ा आप बैलेंस बना के चलिए दूसरे लोगों के साथ, सभी वर्गों के साथ। क्या लगता है? ये तो है कि वो बाकी देशों में देखा जाए तो वहाँ पर पेट्रोल के दाम इतने नहीं बढ़ते जितने इंडिया में हर साल या बोले हर 6 महीने बाद पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।